भारत का संविधान अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 336(1) इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात प्रथम दो वर्ष के दौरान संघ की रेल सीमा शुल्क डाक और तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए अंगल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियां उसी आधार पर की जाएंगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की जाती थी। प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान उक्त समुदाय के सदस्यों के लिए उक्त सेवाओं में आरक्षित पदों की संख्या ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान इस प्रकार आरक्षित संख्या से यथासंभव निकटतम 10% कम होगी, परंतु इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के अंत में ऐसे सभी आरक्षण समाप्त हो जाएंगे। दो, यदि अंगला भारतीय समुदाय के सदस्य अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में गुण के आधार पर नियुक्ति के लिए अर्हित पाए जाए तो खंड एक के अधीन उस समुदाय के लिए आरक्षित पदों से भिन्न या उनके अतिरिक्त पदों पर अंगल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति को उस खंड की कोई बात वर्जित नहीं करेगा। अनुच्छेद 337 अंगल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 337 इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात प्रथम तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अंगल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शिक्षा के संबंध में संघ और प्रत्येक राज्य द्वारा वही अनुदान यदि कोई हो दिए जाएंगे जो 31 मार्च 1948 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिए गए थे। प्रत्येक उत्तरवर्ती तीन वर्ष की अवधि के दौरान अनुदान ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लिए की अवधि की अपेक्षा 10% कम हो सकेंगे, परंतु इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के अंत में ऐसे अनुदान जिस मात्रा तक वे अंगल भारतीय समुदाय के लिए विशेष रियायत हैं उस मात्रा तक समाप्त हो जाएंगे, परंतु यह और कि कोई शिक्षा संस्था इस अनुच्छेद के अधीन अनुदान प्राप्त करने की तब तक हकदार नहीं होगी जब तक उसके वार्षिक प्रवेशों में कम से कम 40% प्रवेश अंगला भारतीय समुदाय से भिन्न समुदायों के सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं किए जाते हैं। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 एक अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। दो संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। तीन राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। चार आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। पांच आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह क
अनुसूचित जातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें तथा ऐसे रक्षोपायों का के कार्यकरण का मूल्यांकन करे। ख, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे। ग, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे। घ, उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। अंग, ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे। च, अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। 6, राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। 7, जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिनका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। 8, आयोग के खंड 5 के उपखंड क में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड ख में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद के विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थात क, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना, यथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। ख, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। ग, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। घ, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। अंग, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। च, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। 9, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। 10, इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश
जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड एक के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा वे निर्दिष्ट करें, और अंगल भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 का एक अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। तो संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। 3 राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा। 4 आयोग की अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। 5 आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे, तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे। ख, अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे। ग, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे, तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें। घ, उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अंग, ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें। और च, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा अनन्य में संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। 6, राष्ट्रपति ऐसे सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई, तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन भी होगा। 7, जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई, तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। 8, आयोग को खंड 5 के उपखंड क में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड ख में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात क, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना, तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।
ख किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, ग शपथ पत्रों में साक्ष्य ग्रहण करना, घ किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यापेक्ष करना, अंग साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, च कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे, नौ संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।